दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न। केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में फ्री बिजली को लेकर झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है। दिल्ली सरकार की वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने के बारे में विचार किया जाए। इस व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर रखा जाएगा जिनकी बिजली की खपत 3 किलोवाट से ज्यादा है। वर्तमान में दिल्ली में 0 से 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है। वहीं बिजली कनेक्शन के लोड पर सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो उपभोक्ता को बिल पर 50% अधिकतम 800 रूपए सब्सिडी मिलती है। 400 यूनिट होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता 40 लाख ने कराए सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन। दरअसल दिल्ली में अब सभी उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मांगने पर ही मिलती है। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। अब तक 40,28,000 से ज्यादा उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं है। ऊर्जा विभाग इस पर जल्द फैसला लेगा। दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। सर्दियों में तो 85% से ज्यादा को उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा विभाग को 3 किलोवाट से अधिक लोड वाले कनेक्शन को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको जरूरत है या नहीं। जो लोग नहीं चाहेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी सभी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हों पर मामले की जाँच कर रही CBI टीम जिस तरह डिजिटल और फोरेंसिक सबूत जुटा रही है इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी CBI ED के दफ्तर बुलाया जा सकता है।